नमस्कार, मैं आकांक्षा अजरिया अपने इस यूट्यूब चैनल बबल्स ऑफ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करिए, जिससे आपको मिल सके मेरे नए नए आइडियाज वाले वीडियोज सबसे पहले। आज कुछ अलग है, आज कुछ अलग बताने जा रही हूँ मैं। इसमें एक प्रकार की सब्जी बताने जा रही हूँ मैं, जो बड़ी स्वादिष्ट है और बड़ी ही अनोखी है। ठंड गर्मी के दिनों में ये देखा गया है कि सब्जियां बहुत कम आती हैं और हम गृहिणियों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है कि किस चीज़ की सब्जी बनाएं, क्या बनाएं। तो उस चीज़ की रेमेडी लेकर मैं आई हूँ और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं हूँ ना आपकी आकांक्षा। आइए देखते हैं किस चीज़ की वो नई नई सब्जी है, नई नई चीज़ की है। तो चीज़ पुरानी हर सब्जी में डलती है, किंतु ये चीज़ कुछ अनोखी, कुछ अलग। आइए देखते हैं। जी हाँ, देखिए मैं किस चीज़ की सब्जी बनाने जा रही हूँ। सिर्फ प्याज 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 बस। इसमें मसाला बस अलग होगा और बाकी सब्जी में हमारे में सिर्फ प्याज होगी। इसके लिए विशेष रूप से छोटी छोटी प्याज ली जाती हैं। ये तो मैंने मसाले के लिए बड़ी ली हुई हैं। ये छोटी छोटी प्याज है, इन्हें मैंने धोकर छीला हुआ है और मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहती हूँ। वैसे आप लोग सभी लोग रोज़ छीलते हैं, मगर इनमें ये जो पील है ये थोड़ा सा अंदर से अच्छे से निकालना है। ये ऊपर वाला ये छिलका भी अलग से निकाल देना है इसके लिए, और इसका ये जो पार्ट है इसको अवश्य निकाल देना चाहिए। वैसे भी आप कभी भी कोई सब्जी बनाएं, यदि आप अनियन यूज़ कर रहे हैं तो ये पार्ट और बैक पार्ट ये ज़रूर से हमको निकाल देना चाहिए। और इसको निकालने के लिए नाइफ की जो शार्प पोर्शन है, नॉक है, उससे इस तरीके से घुमाइए तो ये निकल जाता है। फिर से मैं एक और बता देती हूँ आपको, और इसके लिए बस ध्यान रखिएगा कि इसके लिए छोटी छोटी अनियन चाहिए हमको। बड़ी अनियन में नहीं बनता है। यदि बड़ी अनियन है और आप बनाने का मन ही है तो उनको 3-4 पार्ट में आप उनको तोड़ लीजिए, काट लीजिए। ये देखिए ये वाला पार्ट मैंने फिर से निकाल दिया। इस तरीके से मैंने ये सारी बनाई हुई है, देखिए सब सबका ये निकला हुआ है। और चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या मसाले लगने हैं और कैसे किस तरीके से हमको ये बनानी है। तो दमदमी प्याज बनाने के लिए, दमदमी प्याज की सब्जी बनाने के लिए इसमें अनियन, मैंने ये बड़े 4 अनियन लिए हुए हैं और इनको मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए तीन चार टमाटर लिए हुए हैं, थोड़ी सी ग्राउंड नट, बिना भुनी ही है क्योंकि ये अभी हम फ्राई करेंगे तो ये सारी हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। टर्मरिक हल्दी आधा चम्मच, कोरिएंडर, ये धनिया लगभग 1.5 चम्मच, गरम मसाला लगभग 1 चम्मच, इसमें सौंफ 1-2 स्पून, देन लौंग एंड इलायची, लौंग और इलायची। इसमें मैंने 3-4 लौंग ली हुई है, 4-5, और एक इलायची ली हुई है। इसे छील के भी डाल सकते हैं और बिना छीले भी, क्योंकि ये ग्राइंड हो जाएगी अभी तो सब। इसका मैं छिलका भी डाल देती हूँ, इससे भी अच्छा रहता है। बस इसको ग्राइंड कर लूँ मैं, फिर मैं फिर से आपके पास आती हूँ। देखिए ये ग्राइंड हो गया है, अब इसको कढ़ाई में डालेंगे। देखिए कभी भी जब हम कढ़ाई रखते हैं तो देखिए वैसे तो हमको साफ दिखती है, कभी भी आप कोई भी सब्जी बनाइए यदि कढ़ाई का यूज कर रहे हैं तो प्लीज़ ये एक्शन जरूर कीजिए। मैं कई बार सोच चुकी हूँ आपको बताने के लिए, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं इसी के दौरान ये वाली बात भी आपको बता रही हूँ। ये देखिए ऐसे पानी डाल दीजिए, तो देखिए इसमें कढ़ाई में जो कुछ भी गंदगी होती है, देखिए अभी साफ दिख रही थी, उसके बाद भी कितनी गंदगी निकली। देखिए ऑयल गरम हो गया है हमारा,
आंच लग रही है, इसको सबसे पहले मैं जीरे डाल देती हूँ और हींग, वन पिंच हींग। वैसे भी हींग मेरी फेवरेट है, हर चीज में मैं डालना चाहती हूँ। और ये मसाला पूरा मसाला डाल दिया, जब तक ये मसाला हो रहा है तब तक मैं ये दो चीजें डालना भूल गई थी, ग्रीन चिली है ये लहसुन, ये दोनों को मैं और पेस्ट बना लूं, इसी में मिला दूंगी, मैं भूल गई थी उस समय डालना। ग्रीन चिली और गार्लिक का पेस्ट बन गया है, ये भी मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ। पेस्ट तैयार हो रहा है हमारा, ये तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका ये जो पानी निकल रहा है ये सूख ना जाए, और जिस तरीके से ये पानी निकल रहा है इस तरीके से ऑयल ना निकलने लगे, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए मैंने ये धीमी आंच पर ग्रेवी तैयार कर ली है, इसमें देखिए ऑयल निकलने लगा है, अब इसका मतलब हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। इसमें अब जो सब्जी है जिसे मैंने दमदमी प्याज नाम दिया है वो बनाने के लिए इसमें पानी ऐड कर देंगे। जिसमें हमने मसाला ग्राइंड किया था उसको भी उसमें पानी डालकर, और इसमें जिससे ताकि जिसमें इसमें जितना भी मसाला है वो भी इसमें आ जाए वो भी डाल दिया मैंने, और इसको अच्छे से बॉईल कर देंगे, और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि फिर क्या करना है। जब तक ये ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है तब तक हम इसका दूसरा स्टेप जो है वो करेंगे। इसमें दूसरी कढ़ाई ली है मैंने और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँ, ऑयल गर्म होने पर ये सारी जितनी ऑनियन है, जितनी ऑनियन है ये सारी ऑनियन इसमें डाल दूंगी मैं, और ये जब तक हल्की नरम ना हो जाए तब तक इसको इसी में होने दीजिएगा। देखिए प्याज जो फ्राई करने रखी थी वो देखिए कितनी सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है देखिए। बस इसकी मैं गैस बंद कर दे रही हूँ फ्लेम, और जो ग्रेवी बनाई थी उसमें साल डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और इसके बाद इसका थोड़ा ऑयल निकालते हुए इसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे, ग्रेवी में अनियन को ट्रांसफर कर दे रही हूँ मैं। ये देखिए सारी ट्रांसफर हो गई हैं, ये देखिए अब कम से कम इसको 10 मिनट तक धीमी आंच पर लो फ्लेम पर इसको बॉईल होने देंगे। खुली ही रखिएगा, इसको ढकना नहीं है, खुली ही रखिएगा, जिससे थोड़ा सा पानी भी इसका उड़ जाएगा और ये बहुत अच्छे से जो रसा है इसका ये अनियन में अंदर तक चला जाएगा, इनके जो रोल्स हैं उसमें अंदर तक चला जाएगा। देखिए 10 मिनट्स हो गए हैं और इसने ये देखिए इसका पानी काफ़ी सूख गया है, और ये देखिए अब खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी, और ये अनियन भी देखिए ये पूरी गल गई हैं, अभी गर्म है इसलिए मैं हाथ से नहीं पकड़ के बता पा रही हूँ आपको, मगर ये देखने से ही समझ में आ रही है कि ये गल गई हैं।
बस इसमें थोड़ा सा और बाकी है। ये देखिए हमारी दमदमी प्याज बनकर तैयार है, कितनी सुंदर लग रही है देखिए, अनियन एकदम गल गई है, सुनहरी सुनहरी लग रही है, प्यारी प्यारी लग रही है बिल्कुल। और इसमें थोड़ा सा 1 स्पून मैं शुद्ध घी मिला रही हूँ, जिससे बड़ा सुंदर लगने लगता है ये। और कोरिएंडर लीव्स मिलाइए। और देखिए तो ये हमारी दमदमी प्याज बनकर तैयार है।